बिग बॉस के घर में इस वीक काफी कुछ देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आया जब सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस के गेम को ही पलट कर रख दिया और साबित किया कि उनसे बड़ा मास्टरमाइंड कोई नहीं है, जिन्होंने क्रिएटिव को भी फेल कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो चलिए आपको बताते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। एलिट क्लब का मेंबर बनने की वजह से रश्मि देसाई, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज इस वीक नॉमिनेशन से सेफ थे। इसके बाद बिग बॉस ने घर में एक और इम्यूनिटी टास्क रखा ताकि किसी एक घर वाले को इन तीनों में से किसी एक की इम्यूनिटी मिल जाए, क्योंकि ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और इन तीनों में से किसी को भी इम्यूनिटी की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन ये टास्क रद्द हो गया। ये टास्क बिग बॉस ने इसलिए रखा था ताकि आरती सिंह या शहनाज गिल को इम्यूनिटी मिल जाए, लेकिन प्लान फेल हो गया क्योंकि पारस ने किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलने दी। इसके बाद बिग बॉस ने एक और इम्यूनिटी टास्क रखा, ये सोचकर कि सिद्धार्थ शुक्ला इस बार आरती को सेव कर लेंगे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला तो बिग बॉस से भी ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद पारस को भी नहीं थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने पारस छाबड़ा को सेव किया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया, और इसी के साथ बिग बॉस की आरती को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। हालांकि बिग बॉस तो बिग बॉस है, उन्हें जिसे बचाना है उसे तो वो बचा कर रहेंगे। यही वजह है कि इस वीक नो इविक्शन रखा गया। जी हाँ, इस वीक कोई भी इविक्शन नहीं है और इस तरह से सेफ कंटेस्टेंट की इम्यूनिटी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब अगले हफ्ते सबसे पहले मिडवीक इविक्शन में माहिरा शर्मा को आउट किया जाएगा। इसके बाद पारस छाबड़ा घर से बेघर होंगे और टॉप 5 कंटेस्टेंट यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, रश्मि देसाई, आसिम रियाज और आरती सिंह फिनाले में जाएंगे। इस बार इस सीजन को एंडमॉल स्पॉन्सर कर रहा है और एंडमॉल अपने हर शो में कम से कम 5 फाइनलिस्ट तो रखता ही है जिन्हें वो फिनाले में ले जाता है। यही वजह है कि इस बार भी बिग बॉस में 4 की जगह 5 फाइनलिस्ट होंगे। वहीं वीकेंड के बार में सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला से इस बारे में पूछा कि उन्होंने आरती और शहनाज की बजाय पारस को क्यों बचाया, शहनाज और आरती टॉप 5 में डिजर्व नहीं करते हैं क्या? ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि वो पारस को पे बैक करना चाहते थे। वहीं आरती को उन्होंने इस सीजन में कई बार बचाया है और शहनाज ने कभी गेम में उन्हें सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने पारस को सपोर्ट किया। इस पर सलमान खान ने कहा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था कि आपको अपने गेम पर ध्यान देना है, आपको अपने गेम पर फोकस करना चाहिए, आप अपनी टीम को लेकर फिनाले में नहीं जा सकते हैं। तो ये थी बिग बॉस 13 की लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस्क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।